यूपी के हाथरस में 24 मई को एक युवक का शव मिला था। युवक को हत्या कर सुनसान इलाके में फेंका गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड को चुनौती के रूप में लेते हुए कई बिंदुओं पर जांच की, जिसके चलते हत्या का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मृतक युवक आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते आरोपी ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी और हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हुआ था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। 24 तारीख को एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी मंडी के पास में, जिसके बाद में उसके परिवार ने शिनाख्त किया था। 302 उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है संजय नाम का, उसको हम लोगों ने कल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार की उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में यह बात बताया कि जो मृतक है, मृतक में अभियुक्त है, अभियुक्त पत्नी से नजायज संबंध बनाने के लिए पति को पति का दबाव बनाता था, जिसके कारण संजय ने आदमी से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसमें एक व्यक्ति का नाम और प्रकाश में आया है, नीलेश नाम व्यक्ति का, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसकी हमारे लिए गिरफ्तार नहीं हो जाएगा।